कौन से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आपको ट्रेड करना चाहिए और कहां आपको बड़ा पैसा बन सकता है भाई मोमेंटम में ब्रेकआउट को ट्रेड करके। कौन सा वाला ब्रेकआउट आप ट्रेड करोगे तो पैसा बनने के चांस ज्यादा है, कहां पे आपको कम क्वांटिटी लेनी चाहिए, कितना उसका टारगेट रखना चाहिए, कहां स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहां एंट्री होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और ये एक पूरी सीरीज होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको मेजर मेजर कुछ पैटर्न बताऊंगा जिनका ब्रेकआउट किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए और उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। 3 से 4 लेक्चर इस सीरीज में हो सकते हैं जिसको कंप्लीट आप देखोगे तो आपको यहां पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना आ जाएगा कुछ पैटर्न्स को। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो पैटर्न हम लेंगे आज इस सीरीज के अंदर वो होगा असेंडिंग बाई ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, दोनों पैटर्न को कैसे ट्रेड करता है उसको चीज को देखेंगे हम। तो चलो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां तो आप आ गए हो मेरे यहां पर डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। अब सबसे पहले तो भाई यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये असेंडिंग ट्रायंगल, कुछ लोग नए होंगे हो सकता है। देखो इस तरीके का एक पैटर्न होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गई नीचे आई, ठीक है, वापस ऊपर गई वापस नीचे आई, वापस ऊपर गई वापस नीचे आई, इस तरीके का पैटर्न। और यहाँ से फिर अगर ब्रेकआउट होता तो लोग एंट्री लेते हैं, इस तरीके का ये पैटर्न होता है ना, इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इसका दूसरा भी रूप हो सकता है भाई यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसके अंदर यहाँ से ऐसा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके के ये पैटर्न होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसके अलावा एक और ट्रायंगल पैटर्न होता है जिसमें प्राइस स्क्वीज होती है इस तरीके से, जहाँ दोनों तरफ से ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न होता है। आज हम देखेंगे मेनली इसको ट्रेड करना और इसको ट्रेड करना, ठीक है, इस वीडियो के अंदर कि कैसे इसको ट्रेड करता है। और ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये चार्ट पे आप देखोगे ना तो इस तरीके के ट्रायंगल पैटर्न आपको स्टॉक्स में भी मिलेंगे और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर भी मिलेंगे और दोनों जगह ट्रेड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल पैटर्न को आपको ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए कहाँ पे भाई, स्टॉक्स वगैरह में। अगर भाई अपसाइड में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे अपसाइड डाउनसाइड दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो आप इनको, जबकि अगर इंडेक्स में कर रहे हो तो भाई आपको असेंडिंग ट्रायंगल को देखना चाहिए जो ऊपर की तरफ जाता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल को इतना थोड़ा कम आपको वेटेज देना चाहिए क्योंकि भाई इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नीचे नहीं आ सकता है। अगर मिड में कहीं ये बन रहा है इंडेक्स में तो मत देखो, अगर भाई लाइफ हाई या फिर काफी हाई पे जाके बन रहा है तो आप देख सकते हो गिरते हुए उसके अंदर अगर जाके ये बन रहा है तो भाई इतना ज्यादा वेटेज आपको इसको नहीं देना चाहिए अनटिल अनलेस ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न लाइफ टाइम हाई के पास में कहीं पे बन रहा है, तो वहां पे आपको इसको इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि भाई कंपनी जीरो हो सकती है पर इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगी, फिर उसके लिए तो पूरा मार्केट ही जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है, उसके हिसाब से हमको देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि भाई ये प्राइस जो पैटर्न है वो बनता क्यों है, आप इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे एंट्री एग्जिट से पहले। देखो यहां पे हो क्या रहा है, बेसिक साइकोलॉजी समझो तब तो आपको कोई पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से बायर इसको खींच के लेके गए, इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिला, सेलर दोबारा से यहां बायर्स को भाई यहां पे पुश करके लेके आए, ठीक है। बायर वापस से यहां पे खींच रहे हैं, ऊपर जा रहा है प्राइस, सेलर्स ने वापस कोशिश की पर सेलर्स इस बार देखो नीचे ज्यादा नहीं ला पाए। फिर बायर्स लेके गए सेम लेवल तक, सेलर्स लेके आए पर सेलर्स ज्यादा नीचे तक नहीं लेके आ पाए। फिर बायर्स लेके गए और अब जाके ये यहां पे मान लो ब्रेकआउट हो गया। तो अब यहां पे आपको क्या देखने को मिला, सेलर्स हर बार वीक होते हुए जा रहे थे ना, यहां पे हायर लो हायर लो हायर लो, पर सेम हाई बन रहा था पर हायर लो बन रहा था। इसका क्या मतलब भाई, ये एक अपवर्ड का पैटर्न होता है, पहले तो भाई हायर हाई हायर लो, हाई नहीं भी बना तो लो आपको ऊपर खिसकते हुए जा रहा है, मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ यहां पे आपको कम होती हुई दिख रही थी। बायर काफी पुश कर रहे थे पर सेलर हर बार थोड़े वीक होते जा रहे हैं, यहां और वीक हो गए यहां और वीक हो गए। जब ये ज्यादा वीक होते जाएंगे तो यहां से जैसे ही क्रॉस करेगा, जितने ये सेलर होंगे ना जिन्होंने बार बार यहां पर स्टॉप लॉस लगाया होगा इस एरिया में, ठीक है, यहां वाले सेलर्स यहां वाले सेलर्स जितनी भी उनका सबका स्टॉप लॉस यहां रखा होता है। और इन केस जब ये मार्केट यहां से भाई यहां से ब्रेक करता है तो एक मस्त यहां पे इनका एसएल हंट होता है और बढ़िया एक मोमेंटम आपको यहां पे मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये बेसिक साइकोलॉजी होती है इस पैटर्न के पीछे कि भाई यहां पे सेलर्स वीक होते हैं और बायर्स फिर जैसे ही उनका एसएल खाते हैं तो एक क्विक मोमेंटम आता है। और जनरली आपने सुना होगा कि इस तरीके के पैटर्न का टारगेट क्या रखते हैं, आप देखोगे कि इस पैटर्न का टारगेट जो रखते हैं वो रखते हैं क्या, एक सेकेंड रुको, कि जो भी ये पैटर्न होता है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक तो जितना होता है ना उतना ही ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं और ये टारगेट रखते हैं, ये इसका बेसिक वो रहता है। अब इसके अंदर भाई आपको एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करना है, क्या आपको सोच के चलना है। अब ये पैटर्न सबसे पहले आ जाता है कि भाई
एंट्री और एग्जिट से पहले भाई ये ट्रेड कब लेना है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके का पैटर्न बनेगा ना, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है भाई, ब्रेकआउट फेलियर भी होता है, तो उसका सक्सेस होने का चांस ज़्यादा कब होगा, जब ये इस जोन के पास ना, यहाँ जब भी ऊपर आएगा भाई है ना, और यहाँ वेट कर रहा है, वेट अगर ये किया ना यहाँ पे 3-4 कैंडल बनाई और अगर फिर ब्रेक कर रहा है, तो इसके सक्सेसफुल होने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर ये सीधा यहाँ से आ रहा है उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे वेट किया ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे भाई बायर्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं और सेलर्स का एसएल ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से बायर अक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं, नए नए बायर्स आ रहे हैं, और फिर जब ये यहाँ से क्रॉस करेगा तो उनका एसएल हंट होगा और ये बायर एंटर किए हैं, ये यहाँ पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे बायर आए हैं बहुत सारे नए, तो ये यहीं पे भाई प्रॉफिट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे बुक करने में। इस वजह से ये ब्रेकआउट के सस्टेन करने के ना हाई चांस हो जाते हैं। तो जब भी ये अक्यूमुलेट करते हैं ना बायर यहाँ पे इस जोन के करीब में, अगर ये अक्यूमुलेशन हो रहा है ना या इस पैटर्न में कि भाई ये अपसाइड वाला जो जोन है इसके पास में अगर यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे नए बायर्स फ्रेश बायर आ गए हैं, आपको ये ध्यान में रख के चलना, ठीक है। या नए फ्रेश बायर आ गए हैं तो वो फ्रेश बायर क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर कहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे, जो फिर चलेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपको ये ब्रेकआउट देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होगा। अगर यहीं पर यहाँ पे भाई लोग वापस से प्रॉफिट बुक करने लगे तो यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, उस केस में आप फंस सकते हो। तो आपको एक तो क्या चीज ध्यान रखनी, जब भी ये पैटर्न नजर आए कि अगर यहां बायर्स का अक्यूमुलेशन हो रहा है इस एरिया के अंदर यहां पे अपर साइड में, तो आपको देखना है। अब ये ऐसा क्यों बोला, मान लो अगर सोचो कि यहां अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यहां अक्यूमुलेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा। अब मान लो यहां अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, यहां से सीधा जा रहा मार्केट और यहां क्रॉस कर गया इस तरीके से, अब होगा क्या, बायर कहाँ आए थे यहाँ पे, यहाँ सब देखो एसएल तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स का हिट हुआ, पर बायर्स यहाँ पे इन लेवल्स पे आए होंगे, तो जो बायर यहाँ से एंट्री कर रहा होगा उसका प्रॉफिट टारगेट भाई यहाँ पे, भाई उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा, डेफिनेट बात है। यहाँ से यहाँ पे अगर मार्केट चला गया तो इतना दूर चला गया तो उसको बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, तो उस केस में क्या होता है, फिर यहाँ से जो रिवर्स होता है ना, बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर हो गया, फिर ब्रेकआउट फेलियर होता है और ये नीचे आके और दोबारा से यहाँ पे आपका लॉस करवा देता है। वो क्यों करवाता है, क्योंकि बायर यहाँ पे थे, आपने यहाँ एंट्री बना ली है, जब वहाँ पे सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने में लगे हुए हैं, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप वहाँ प्रॉफिट बुक करते नहीं हो, तुरंत आपको थोड़ा सा हरा हरा दिखता है और फिर आपका आके और अल्टीमेट लाल हो जाता है और आपका एसएल हिट हो जाता है। तो ये जनरल साइकोलॉजी है इसके पीछे कि इस पैटर्न में कहाँ से भाई क्या देख के आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। अब ये पैटर्न भी दो तरीके का आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप खुद मेरे को एक आंसर दोगे कमेंट में कि कौन सा पैटर्न में प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे या फिर ये एक पैटर्न बन गया अपना, पैटर्न दोनों सेम ही है भैया ना। अब ये नाम भी पलट लेते हैं, कुछ लोग तो इनका अलग अलग नाम लेते रहते हैं कि भाई ये अलग पैटर्न है, पता नहीं क्या, कुछ भी नाम लो भाई, साइकोलॉजी समझो बायर सेलर की, उसके लिए जरूरी है, हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही बोलेंगे यहाँ पे। तो अब आप बताओ मुझे, ये तो है नंबर वन, इसमें ज़्यादा चांसेज हैं यहाँ पर प्रॉफिट के ब्रेकआउट के बाद में, या नंबर टू में ज़्यादा चांसेज है। सब लोग कमेंट में आंसर देंगे, नंबर वन में ज़्यादा चांसेज है या नंबर टू में, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा जब यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे, बाद में मैं पिन कमेंट में आंसर भी डाल दूंगा कि आंसर ये है, पर अभी नहीं डालूंगा, जब वीडियो अपलोड होगा उसके 5-10 दिन बाद में डालूंगा, और वैसे कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिलता रहता है, ठीक है। तो ये दो पैटर्न है, एक तो आपको मुझे ये बताना है भाई इन दोनों में से ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपका कौन सा रह सकता है। अब क्या करते हैं भाई, इस वीडियो का एंड करते हैं, अगले वीडियो में क्या देखेंगे हम इसमें कि इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, और यहाँ पे एसएल कहाँ पे रखना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए भाई वीडियो का लाइक एम रखेंगे 500 लाइक्स का, कमेंट एम रखेंगे भाई 500 कमेंट्स का। बाकी इसके अलावा एडवांस स्ट्रेटजी सीखना चाह रहे हो जो मैं यूज़ करता हूँ अपने यहाँ पे
आप मेरे को लाइव देखते होंगे तो आप कोर्स जाके ज्वाइन कर सकते हो tradingwithkarol.com पे, कंप्लीट ट्रेडर कोर्स है ये, प्लान आउट कर सकते हो। अगर भाई डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं खोला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई, धन का बहुत ही बेहतरीन ब्रोकर है, जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ध्यान रखना भाई, मेरे लिंक से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको भाई एक गूगल फॉर्म मिलेगा पिन कमेंट के अंदर, उसको जरूर भर देना आपको। बाकी मिलते हैं कब भाई, अगली वीडियो में। और अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो तो 8:30 से और 3:30 बजे तक मैं डेली लाइव करता हूँ, तो वहां पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।